भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव के मोसेस चलाई आईएएस ने शुक्रवार को गांव गंगड़वा का दौरा करते हुए संवाद चौपाल में भागीदारी निभाई। झज्जर जिला में पहुंचने पर उपायुक्त सोनल गोयल ने संयुक्त सचिव का स्वागत किया और संवाद चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों को सोच के दस्तक मुहिम के तहत सामाजिक बदलाव में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त सचिव के मोसेस चलाई ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की झज्जर जिला में सफलता जहां प्रशासनिक स्तर पर उल्लेखनीय रही है, वहीं लोगों की मानसिकता को बदलने में महिलाओं की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सकारात्मक सोच के साथ जो यह कार्यक्रम हरियाणा की धरा से शुरू किया था, उसके सफलतम परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, झज्जर जिले में हमारे श्री के मोसेस चलाई जी कुछ दिन पूर्व ही, कुछ साल पूर्व ये लाडपुर गांव में आए थे और एक हम स्वागत करते हैं, फूलों की माला पहना करके पगड़ी किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। मटका रेस की सभी प्रतिभागी श्री अशोक जायसवाल जी और उनके साथ पहुंची सम्मानित समस्त टीम, केंद्र सरकार के सभी पदाधिकारियों का हम स्वागत करते हैं। और देखिए लड़कियों की इस कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रही है मैडम सोनल गोयल जी और उनके साथ सीनियर संयुक्त सचिव भारत सरकार लड़कियों की कबड्डी टीम से परिचय प्राप्त करते हुए और आज यह संवाद चौपाल का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है गांव गंगड़वा में, बड़ा सौभाग्य का अवसर है। यहां हमारे बीच में विभिन्न गांव के सरपंच महोदय पधारे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी एक बार ग्रुप फोटो के लिए जाएं। जितने भी सम्मानित मेरे सरपंच महोदय यहां पहुंचे हुए हैं और इस ग्रामीण है सर कट रहे आप फोटो में आगे यस और मटका खिलाड़ियों से बेटी पढ़ाओ अभियान जनवरी 2015 में पानीपत जिले में लॉन्च हुआ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के दिशा निर्देश और नेतृत्व में ऐसा कोई भी प्रयास हमने नहीं छोड़ा जिसमें हमने अपनी बेटियों को सिर्फ ना उनकी रक्षा और उनके बचाने का कार्य किया बट उनको आगे पढ़ाने का और खेलों के माध्यम से उनको हमारे समाज में आगे लाने का कार्य झज्जर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज यहाँ पे स्कूल से भी बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग पंचायतों से यहाँ स्पोर्ट्स प्लेयर्स आए हुए हैं, तो मैं सर को बताना चाहूंगी कि सर हमारे यहाँ सोच पे दस्तक एक मुहिम लास्ट कुछ महीनों से चल रही है जिसके अंतर्गत पहले हमने नारी की चौपाल का आयोजन करना शुरू किया और नारी की चौपाल में जैसे हम महिलाओं से बात करते थे कि वो अपने कुछ दिक्कत या वो उनको क्या लगता है कि इस समस्या को या ये जो सामाजिक जो ताना बाना है इसमें कैसे पॉजिटिव बदलाव लाया जाए, तो इसकी जब हमने सफलता को देखा तो इसके बाद हमने प्रयास किया कि यहाँ महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी और युवा साथियों को भी हमने जोड़ने का काम शुरू किया और बहुत ही अच्छा ये प्रयास साबित हुआ। हम देखते हैं जहाँ भी हम जाते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की देर होती है कि वहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से समाज चौपाल का आयोजन किया जाना है और भारी मात्रा में वहाँ उस पंचायत के लोग आसपास की पंचायतों के लोग सभी आके और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज भी जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, यहाँ पे कबड्डी का मैच लड़कियों के आयोजित किए गए हैं, मटका रेस महिलाओं के लिए आयोजित की गई, तो इस तरीके से हमारे जिला प्रशासन के छोटे छोटे प्रयास हैं कि हम किस तरीके से बच्चियों को कन्याओं को महिलाओं को अपने एक समाज का ऐसा हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो हरियाणा आज भी हरियाणा प्रदेश पूरे इंडिया में नेशनल लेवल में इंडिकेटर्स अगर हम जीडीपी और ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिकली टॉप 5 स्टेट्स में आता है, लेकिन अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो आज भी समाज में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे हमें आगे आने की जरूरत है, जिसमें हमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में काफी ऐसे प्रयास चल रहे हैं। सोच पे दस्तक के अलावा उमंग एक पहल ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्कूल में जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको हम सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं।
जागृति एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूनिसेफ के द्वारा झज्जर और रोहतक जिले में चलाया जा रहा है, जो कि लैंगिक असमानता को किस तरीके से दूर किया जाए इस पे काम कर रहा है। साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रयास होते हैं प्रशासन के, चाहे वो राहगिरी का कार्यक्रम हो, चाहे रात्रि चौपाल हो, उसके अंदर भी हम कैसे महिलाओं को, लड़कियों को आगे लाए, यही हमारा प्रयास है। और मैं विशेष रूप से आप सबको बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पूरे भारत सरकार बहुत सपोर्ट कर रहा है झज्जर जिला प्रशासन का, और झज्जर जिले के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे नेशनल लेवल में वो शेयर करते हैं और इससे हमारी पूरी टीम को प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, आज का आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, एसडीएम बाल्ली और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद, इसको धन्यवाद। और यहाँ जो भी उपस्थित रहे, छोटे बच्चे, युवा साथी, महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लैंगिक असमानता को लेकर के एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, वही श्रीमती सोनल गोयल डीसी महोदया के प्रयास से आज सभी उपस्थित खिलाड़ी जो आज यहाँ इस प्रतियोगिता में पहुंचे हैं, विशिष्ट जन जो आसपास के गांव से पहुंचे, मेरे बुजुर्ग, मेरे ग्रामीण, यह कार्यक्रम झज्जर जिले में विशेष कुमार और सभी जो सभी को नमस्कार। आज आपके सबों पे मौजूद होकर मुझे बहुत खुश हूँ, और मैं मुझे ये हमें देखने को मिल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो संदेश और जो प्रयास चल रहा है वो हर जगह इस जिले में और हर गांव में और सभी के पास ये है ना, ये संदेश पहुँच रहा है और देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी समय लगने वाला एक योजना है, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इस डिस्ट्रिक्ट में इसका जो उद्देश्य है उसका सफलता जल्दी मिल जाएंगे। और जो प्रकार प्रकार का आपका जो जो कार्यक्रम एक्टिविटीज प्रयास जो आप कर रहे हैं, इसे मुझे विश्वास है कि आपका आपके जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के और अपना महिलाओं के और लड़कियों के लिए जो हम कार्यक्रम जो कर रहे हैं योजना करें, बहुत जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य और सफलता तक पहुँचेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसके साथ मैं सभी को बेस्ट विशेष देते हुए थैंक यू सो मच। वीरों की भूमि गिनी जाती है, देश का विदेशों में भी पहचान है, इसके लिए वहीं दूसरी तरफ ये धरती देवभूमि होने के साथ साथ वेद भूमि भी रही है। ये वो धरती है जहाँ पर उपाला, ढोसा, विश्वरा, मैत्री जैसी विदुषियां रही, जिन्होंने वेदों के बहुत सारे मंत्रों की रचना की। तो एक समय ऐसा था कि इस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अपने स्वर्ण युग में थी। सामाजिक बदलाव आते रहते हैं, समय के साथ साथ कुछ बदलाव सुखद होते हैं, कुछ दुखद होते हैं। दुखद बदलाव का परिणाम ये रहा कि हरियाणा जहाँ पुरुष प्रधान समाज में गिना जाता है, वहाँ धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आता चला जाए। धन्यवाद सुपन महोदय, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित किया और समस्त गांव वासियों, और अब मैं आग्रह करूंगा अमित सरपंच मंजरी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और डीआरएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंजरी गुबाना, डीआरएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंजरी गुबाना की लड़कियों की टीम जो मेरे दाई तरफ है, इनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं गाँव के सरपंच और
खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं खिलाड़ियों का ग्रुप फोटो। ठीक है, तालियां बजाओ। गंभीर सरपंच नक्सल 1100 रुपए दे रहे हैं। वही सतीश प्रधान नगर में वो भी 1100 रुपए की राशि दे रहे हैं। जोरदार तालियां इन दोनों सरपंचों के लिए। हमारी बेटियों के लिए बहुत जिन्होंने प्रस्तुति दी है, यह गाना सुनाया है शीश पालू और पालू, वो भी खुश होकर के 1100 रुपए की राशि प्रदान करने पर जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए। दोनों ही सरपंच साहिबान का और शीशपाल जी का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बेटियों को यह प्रोत्साहन राशि दी। एक बार जोरदार तालियां फिर से दोनों सरपंचों के लिए। बाल्यान जी अमित बाल्यान जी माजरी के सर, मेरा आग्रह मेरे